संसद के सुरक्षा में चूक मामले में दिल्ली पुलिस तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छठे और फरार चल रहे आरोपी की पहचान ललित झा के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम जब नीमराना के गंडाला गांव पहुंची तो पुलिस को आता देख ललित वहां से फरार हो गया। स्पेशल सेल की 2 टीमें सिर्फ ललित की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा में सेधमारी के लिए सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे, नीलम को हिरासत में लिया है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केएल सोमनी। अंकल जी, विक्की आपका पड़ोसी है, कितने साल से यहाँ रहता था और किस तरह का व्यक्ति था? आप लोग कैसे जानते थे, कैसा नेचर था? 90 से जानता हूँ उसको, 1990 से। बाकी एज गैप की वजह से इतना नहीं लगता, उसके एज अलग था, यही लड़का था उस टाइम, ज़्यादा कुछ उम्र नहीं है। अच्छा, कभी अंकल जैसे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, आप लोगों की कभी बातचीत होती हो, हाय हेलो होती हो? तो कोई बातचीत हो नहीं, अंकल के लेवल में नमस्ते बस। अच्छा, जब आपने खबर देखी और विक्की का नाम सामने आया तो कैसा आपको? आप लोगों को देख के पता लगा, अदरवाइज टोटली अवेयर नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे कुछ पता। दोपहर को पुलिस वालों को खड़े हुए देखा था घर में, आपस में कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए पुलिस वाले आए, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और शाम को जब मीडिया लोग गैदरिंग हो गया फिर एक्सपोज हो गया सारा कुछ, तो तभी पता लगा इसके बारे में। सरप्राइज हाउ ही वाज इन्वॉल्व, इतनी चीज से ध्यान से जानते हैं इसको, आना जाना मुंबई तक हो गई। पर्सनली कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी पता नहीं। कभी अंकल जैसे होली दिवाली मिलते होंगे, कभी पॉलिटिकली बात करता था? पॉलिटिकली कभी कोई बात नहीं, कभी भगत सिंह की बातें करता हूँ? कम्युनिकेशन ही नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। एटीट्यूड और नेचर थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए विलिंग टू पुलिस ने 5वें व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और छठे आरोपी ललित झा की तलाश जारी है। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाया गया संसद में सेधमारी का पूरा प्लान। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला है कि संसद में सेधमारी करने वाले सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। आरोपियों ने तकरीबन 1.5 साल पहले कर्नाटक के मैसूर में मुलाकात की थी। 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले और तभी संसद में घुसपैठ का प्लान बनाया। मार्च में बजट सत्र के दौरान बेंगलुरु से मनोरंजन आया और उसने विजिटर्स पास लेकर संसद भवन की पूरी रेकी की थी। इस साल जुलाई में सागर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आया लेकिन संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया था। यही वजह है कि उसने बाहर से रेकी की। रेकी के दौरान मनोरंजन को ये पता चला कि कहां जूते की जांच ठीक से नहीं होती है। 10 दिसंबर को एक एक कर सभी आरोपी अपने अपने राज्य से दिल्ली पहुंचे। मनोरंजन फ्लाइट से दिल्ली आया था। सभी लोग 10 तारीख की रात गुरुग्राम में विक्की के घर पहुंचे। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम में पहुंच गया था। अमोल महाराष्ट्र से कलर वाला पटाखा लेकर आया था। 13 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के पीए से विजिटर्स पास कलेक्ट किया गया। इसके बाद सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले जहां सभी को कलर वाला कैंडल बांटा गया। दोपहर 12 बजे दोनों आरोपी संसद के अंदर दाखिल हुए। ललित झा बाहर हंगामे का वीडियो बना रहा था, वह मामला बढ़ता देख सभी के मोबाइल फोन लेकर भाग गया। वहीं दूसरी ओर संसद की सुरक्षा में चूक पर अब बड़ा एक्शन हुआ है। संसद में हंगामे के बीच लोकसभा सचिवालय ने 7 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।